हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिनेश वगैरह। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, विच इज द सब्जेक्ट ऑफ जीटीयू एट सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एग्जांपल ऑफ पैराबोलिक कलेक्टर, जो कि टॉपिक है चैप्टर सोलर एनर्जी का। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, जीटीयू की एग्जाम में हर साल आता है एंड बहुत इजी है फ्रेंड्स। सिर्फ आपको ये गिवन डेटा यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द क्वेश्चन एंड उसके बाद ये यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं टू सॉल्व दिस सम, ये फॉलो करना है फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप। पुट एंड गेट आंसर है और आपका आंसर आ जाएगा एंड 110% आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे गिवन डेटा पढ़ूंगा या नोटेशंस, डी डायमीटर और विड्थ इन टर्म्स ऑफ मीटर, एल हमारी लेंथ है इन टर्म्स ऑफ मीटर, एम मास फ्लो रेट इन टर्म्स ऑफ केजी पर सेकेंड, सीपी स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ जूल पर केजी केल्विन, डीओ डायमीटर ऑफ प्लेट इन टर्म्स ऑफ मीटर, HB सोलर इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वॉट पर मीटर स्क्वायर, TA एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, RB D - D0 इन टर्म्स ऑफ मीटर, ये RB की फार्मूला है फ्रेंड्स। A एब्सोल्यूट हमारा एरिया है, उसकी फार्मूला πD0 L इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, रो रिफ्लेक्टिविटी, गामा इंटरसेप्ट फैक्टर, एफ डैश कांस्टेंट, क्या हुआ था ट्रांसमिटेंस यूनिट डैश क्वांटिटी एंड एट द लास्ट यूएल हमारा है लॉग कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वॉट पर मीटर स्क्वायर। डेटा आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सिर्फ ये फ्रेंड्स स्टेप्स फॉलो करना है, स्टेप्स टू सॉल्व द एग्जांपल ऑफ पैराबोलिक कलेक्टर, सिर्फ ये स्टेप्स ही फॉलो करना है फ्रेंड्स और आपका आंसर 110% आ जाएगा। सो स्टेप नंबर वन, एब्जॉर्ब फ्लक्स, S इज इक्वल टू एच बी आर बी रो गामा टाउ अल्फा प्लस एच बी आर बी टाउ अल्फा इन टू डी जीरो ओवर डी माइनस डी जीरो। डी हमारा प्लेट डायमीटर, डी विड्थ है ऑलरेडी गिवन, टाउ अल्फा ऑलरेडी गिवन, ट्रांसमिटेंस इन द डेटा एस बी आर बी भी हमको दिया हुआ है और यहाँ पर भी सेम, सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे और एस का आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉट पर मीटर स्क्वायर। स्टेप नंबर टू, हीट रिमूवल फैक्टर, एफ आर इज इक्वल टू एम सी पी ओवर ए इंटू यू एल इंटू ब्रैकेट वन माइनस एक्सपोनेंशियल into bracket negative sign a into ul into f dash over mcp bracket complete, f dash constant given in the data, mass flow rate hai kg per second mein, cp joule per kg kelvin, area and ul humko diya hua hai data mein, sabke value put karenge friends fr ka answer aa jayega constant। abhi yahan pe friends ये S की वैल्यू और FR की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, ये आंसर की रेंज है फ्रेंड्स, इसके आजू बाजू ही आपका आंसर आना चाहिए, इससे ज्यादा या बहुत कम आंसर आएगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, सो ये प्लीज वेरीफाई कर दीजिएगा। स्टेप नंबर थ्री, यूजफुल हीट, QU इज इक्वल टू FR D माइनस D0 इनटू L इन ब्रैकेट S minus UL over C into TFI minus TN bracket complete। यहाँ पे जो C के formula है D minus D0 over pi D0, plate diameter है, width है, data में दी हुई है, C में जाएगा, inlet water temperature and TA ambient temperature दोनों हमको मालूम है data में, S हमने already यहाँ पे find किया था, एल लेंथ है और एफ आर ऑलरेडी फाइंड, हीट रिमूवल फैक्टर हमने किया हुआ है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे
क्यों का आंसर आ जाएगा यहां पे वो कदम का। स्टेप नंबर फोर, Qu is equal to m into Cp into TFI minus TFO. इनलेट वाटर टेम्परेचर है एंड TFO आउटलेट वाटर टेम्परेचर है। m और Cp हमको मालूम है, TFI भी मालूम है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है TFO, वो मिल जाएगा। और ये फ्रेंड आंसर की रेंज है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही आपका TFO का आंसर आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 5, कलेक्टर एफिशिएंसी, ईटा सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एचबी आरबी इनटू एल। आरबी के फॉर्मूला है डी माइनस डी जीरो, एल लेंथ हमारी, एचबी गिवन इन द डेटा एंड क्यू हमने ऑलरेडी यहां पर फाइंड कर लिया है। सबके वैल्यू पुट करेंगे आपकी ईटा आ जाएगी आंसर 40 to 50%। ये आंसर की रेंज है जिसके अंदर ही आपका आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स। सो बहुत इजी है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड का ताकि आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।